आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कपट, ठीक है। स्वतंत्र सहमति का एक अगला पार्ट होता है कपट। कपट का परिभाषा में कहता है कि कोई भी अनुबंध, यदि अनुबंध का कोई पक्ष का या उसके साथ कोई उसका एजेंट दूसरे पक्ष का या उसके एजेंट को धोखा देने के उद्देश्य से प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में कोई कार्य करता है तो माना जाएगा कि कपट द्वारा प्रेरित। पहला क्या है, अनुबंध का कोई पक्षकार स्वयं कर सकता है या उसके ऊपर कर सकता है, अनुबंध का दूसरा पक्षकार है उसके ऊपर कर सकता है या उसके एजेंट के ऊपर कर सकता है। क्या कर सकता है, निम्नलिखित में से कोई काम। पहला काम कर सकता है किसी असत्य बात को जान बुझ कर सत्य असत्य बात है और उसको जान बुझ कर सत्य बताना। पहला लाइन। दूसरा लाइन है कि किसी ऐसी बात को छुपाना जिसका बात को। तीसरा काम है कि वो प्रॉमिस कर ले रहा है। चौथा है कि कोई भी ऐसा काम जिसका उद्देश्य है धोखा देना, कोई ऐसा काम जिसका उद्देश्य है धोखा देना। पांचवा में क्या कहा, कोई भी ऐसा काम राजनियम के द्वारा ही कपट में घोषित किया गया राजनियम। छठा लास्ट के उपरोक्त पांच के अलावे कभी कभी चुप रहना भी कपट है। अगर कभी अनुबंध का कोई पक्षकार चुप भी है तो कहा जाएगा कि उसने कपट किया। ये अगर छह में से कोई भी काम करता है, अगर छह में से कोई भी काम करता है, पहला कि किसी असत्य बात को जानबूझकर सत्य, दूसरा किसी ऐसी बात को छिपाता है जिसका उसे पूर्ण ज्ञान था या पूर्ण विश्वास था फिर उसको छिपाता है, तीसरा कि पूरा नहीं करने का दिया गया कोई भी वचन जिसका उद्देश्य भी नहीं था कि कभी अपना काम। कोई भी ऐसा काम रेडमी नोट 7 प्रो रेडमी नोट 7 प्रो कोई ऐसा काम जिसका मूल उद्देश्य था राजनियम के द्वारा ही उसको कपट में घोषित किया जा चुका है। राजनियम पहले कह चुका है कि वो कपट में है। और इसके अलावा सबसे लास्ट में कहता है कि कभी कभी चुप रहना भी, मौन रहना भी कपट माना जाता है। ये हो गया टोटल कि अगर ये छह में से कोई भी काम ऐसा करता है तो वो कहा जाएगा कि कपट के द्वारा प्रेरित था और वो अनुबंध स्वतंत्र सहमति में नहीं माना जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि कपट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले इसका कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल बता रहा है कि ए नीलाम के द्वारा अपना घोड़ा बी को बेचना चाहता है। ए नीलाम के द्वारा अपना घोड़ा बी को बेचना चाहता है। ए जानता है कि उसका घोड़ा अस्वस्थ है, बावजूद इसके बारे में वो बी को कुछ नहीं बताता है। ए जानता है कि उसका घोड़ा अस्वस्थ है, बावजूद इसके बारे में वो बी को नहीं बताता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये ए के द्वारा कपट किया गया, क्योंकि जिस चीज की उसे जानकारी थी उसने उसे बताया नहीं। और वही इसी एग्जाम्पल में अगर हम ऐसा कहें कि ए अपना घोड़ा नीलाम के द्वारा बी को बेचना चाहता है, लेकिन ए को ये नहीं पता है कि उसका घोड़ा अस्वस्थ और वो बी को बेचता है, तो यहाँ पर कपट नहीं किया गया, ये कहा जाएगा। अगर आपको पता है और आप छिपाते हैं तब कपट है, और अगर आपको पता नहीं है और फिर भी आप कुछ नहीं बोलते तो ये कपट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो अस्वस्थ था। तो अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, लक्षण इसका क्या है। पहला लक्षण है कि ये जो कपट है वो या तो पक्षकार स्वयं करेगा या उसकी साठ गांठ से उसका कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका प्रतिनिधि होगा, वो भी कपट कर सकता है। कपट या तो पक्षकार स्वयं कर सकता है या उसके साठ गांठ से उसका कोई प्रतिनिधि है वो भी कपट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पक्षकार स्वयं करेगा, उसका एजेंट है वो भी कपट करता है। दूसरा है धोखा देने का अभिप्राय। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक का लक्षण है कि उसका उद्देश्य होना चाहिए अनुबंध का कि दूसरे पक्षकार को धोखा देना,
अगर दूसरा पक्षकार को धोखा नहीं होता है तो वो कपट नहीं माना जाएगा। जब तक दूसरा पक्षकार को धोखा नहीं होगा वो कपट नहीं माना जाएगा। दूसरा पक्षकार को धोखा होगा तभी वो कपट माना जाएगा। तीसरा है कि अनुबंध के लिए प्रेरित करना। जिस तरह से उत्पीड़न में दबाव देकर आप सहमति लेते थे, यहाँ पर दबाव नहीं दिया जाता बल्कि आप उसको इंस्पायर करते हैं कि आप अनुबंध कीजिए, आप उसको प्रेरित करते हैं कि आप अनुबंध कीजिए। अब कहता है कि कपट में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सम्मिलित की जा सकती है, कपट में सम्मिलित होने वाली कौन कौन बातें हैं। पहली बात तो पहले ही बताया गया था कि असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना। कोई भी ऐसा चीज जो असत्य है, जो झूठा है और जानबूझकर आप उसको सच्चा बना के बताना चाह रहे हैं तो कहा जाएगा कि आपके द्वारा कपट किया गया था। इसमें दो तरीके का है, एक प्रदर्शन द्वारा कपट और एक छिपाव के द्वारा कपट है। प्रदर्शन के द्वारा कपट का मतलब है कि आप स्पष्ट रूप से उसके सामने प्रदर्शन में ही झूठ बोल रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि ए ने एक घड़ी खरीदा 100 रुपया में और बी उससे कहा कि ये घड़ी हमको दे दो। ध्यान रहे कि बी एज ए सेल परचेज के उद्देश्य से नहीं खरीद रहा, ध्यान ये रहना चाहिए कि वहाँ पर उद्देश्य जो है वो खरीद और बिक्री का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ए एक घड़ी खरीदा 100 रुपया में, बी उसको बोला कि वो घड़ी हमको दे दो। बी परचेज करने के उद्देश्य से नहीं और ए का उद्देश्य सेल करना नहीं, बस यूं ही फॉर्मेलिटी के रूप में वो उसको अपना घड़ी देना चाह रहा है। ए बी से क्या कर रहा है कि सुनो भाई हम घड़ी खरीदे 300 रुपया में, अगर तुम 300 रुपया देगा तो वो तुमको घड़ी दे देंगे। तो ये कहा जाएगा कि उसने कपट किया है, असत्य बात को जानबूझकर सत्य कहा है। और अगर यही चीज दुकानदार कहे जिसका उद्देश्य बिक्री करना है कि देखो भैया हम 300 में घड़ी बेचेंगे तो वहाँ कपट नहीं निकाला जाए, वहाँ पर उसको हम कपट नहीं कहेंगे। कपट तभी कहेंगे जब वहाँ पर बिक्री का उद्देश्य नहीं है। और दूसरा कहता है कि छिपाव के द्वारा कपट करना, यानी कि किसी भी चीज़ को छिपा लिया गया है, जो चीज़ को आप जानते हैं और आप उसको बताना नहीं चाहते हैं, छिपाए हुए हैं, उसको कहा जाता है छिपाव के द्वारा कपट किया गया है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब भी आदमी अपना इंश्योरेंस कराता है तो इंश्योरेंस कराने से पहले इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती है कि आपको किसी तरह का बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोई कोई बीमारी में इंश्योरेंस नहीं करती है। आपको वो बीमारी है फिर भी आपने उसको छिपा लिया, आपने वो चीज़ बताया नहीं और फिर भी आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया, तो ये कहा जाएगा कि छिपाव के द्वारा कपट है। और पहला वाला क्या था, प्रदर्शन के द्वारा कपट है। तो दोनों ही कपट है और दोनों में ही असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताया गया है। नेक्स्ट है किसी ऐसी बात को सक्रिय रूप से छिपाना जिसका उसे निश्चित ज्ञान और विश्वास है। कोई भी ऐसा बात को जानबूझकर छिपाया गया है जिसका उसे निश्चित ज्ञान और विश्वास है। तो जानबूझकर जो छिपाया गया बात है, मतलब एक एग्जांपल इसमें ये आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी को अपनी संपत्ति दे रहे हैं, ये शर्त है कि संपत्ति आप देंगे तो वो भार रहित होना चाहिए। भार रहित का मतलब कि उस पर किसी तरह का आपने मॉर्गेज नहीं, अगर मॉर्गेज लेके आप उसको देंगे तो कहा जाएगा कि वो भार रहित है या भार सहित है। लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संपत्ति देना है तो वो हमेशा भार रहित संपत्ति देना चाहिए, यानी कि उस पर किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक स्कूटर है, वो स्कूटर पर आप कर्जा लेना चाहते हैं, तो जिस आदमी के पास आप कर्जा लेने के लिए गए उसको बोले कि भैया मेरी मोटरसाइकिल आप रख लो और मुझे 50,000 रुपया कर्जा में दे दो। जिसको लोन देना था वो आपसे बोला कि देखो भैया हम लोन तो दे रहे हैं लेकिन ये मोटरसाइकिल पर पहले से कोई कर्जा तो नहीं है, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं और उसी मोटरसाइकिल पर आप पहले से भी 50,000 रुपया किसी और से कर्जा ले चुके हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी सत्यता है जिसको आपने सक्रिय रूप से छिपाया, जिस मोटरसाइकिल पर आप पहले ही कर्ज ले चुके हैं तो निश्चित तौर पर जिससे पहले कर्जा लिया उसको पहला आप नहीं देता, लेकिन जिससे आप बाद में कर्जा लिए हैं उसको उस मोटरसाइकिल पर हक नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहले पूरे उस पर कर्जा ले लिया। तो आपने यहाँ पर वो बात को छिपा दिया कि हमारी जो संपत्ति है वो किसी को कर्ज में दी गई है, बंधकी के रूप में दिया हुआ है, भार रहित है, भार सहित है, लेकिन आपने वो भार सहित की बात उसे नहीं बता दी, आपने उसे कह दिया भार रहित है, यानी इस पर किसी तरह का बंधक नहीं इम्पोज किया गया है। तो ये भी कहा जाएगा कि कपट है, आपने झूठ मूठ उसको बोला कि ये मोटरसाइकिल पर कोई कर्जा नहीं लिए है, ये भार रहित है, जबकि वो वास्तव में क्या था, भार सहित था। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोला है कि कैवेट एम्प्टर एक रूल होता है। कैवेट एम्प्टर एक रूल में क्या कहता है कि अगर दुकानदार के पास आप सामान खरीदने जा रहे हैं
तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि दुकानदार से सामान खरीदने से पहले आप वस्तु की अच्छी तरीके से जांच कर ले, वस्तु की अच्छी तरीके से पड़ताल कर ले। यानी एक नियम है क्रेता सावधानी का नियम। क्रेता सावधानी का नियम का मतलब कहता है कि ये क्रेता की जिम्मेवारी है कि जो वस्तु को वो खरीद रहा है उस वस्तु को खरीदने से पहले बढ़िया तरीके से वो जांच पड़ताल कर ले कि ये वस्तु आपके काम के लायक है कि नहीं है। हर चीज को बताना दुकानदार की जवाबदेही नहीं है, हर चीज दुकानदार आपको नहीं बताएगा। ये क्रेता को भी सोचना पड़ेगा कि जिस वस्तु को वो खरीदने जा रहा है वो उसके उपयोग के लायक है कि नहीं है, उसके मांग के अनुसार है कि नहीं, उसके गुण के अनुसार है कि नहीं, उसके किस्म के अनुसार है कि नहीं, ये क्रेता को भी देखना पड़ता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है कि हर चीज के बारे में विक्रेता बताने के लिए जिम्मेवार नहीं है। कुछ दशाओं में क्रेता को भी जिम्मेवार बनना पड़ता है कि वो वस्तु जो खरीद रहा है उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसका गुण, उसका किस्म, उसका कीमत वगैरह की वो जांच पड़ताल कर ले। एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि एक बिजनेस लॉ की किताब खरीदनी थी, एक को बिजनेस लॉ की किताब खरीदनी थी। वो बी के दुकान में गया और ये कहा कि भैया मुझे बिजनेस लॉ की किताब खरीदनी है, आपके पास जो किताब है वो दिखाई दे। बी ने उसके सामने 6-7 राइटर का किताब रख दिया, एक राइटर ने, दो राइटर ने, 6-7 राइटर का किताब रख दिया। अब ये तो ए पर निर्भर करता है कि वो कौन से राइटर की किताब को खरीदेगा। जिस भी राइटर के किताब को वो खरीदा, बाद में दुकानदार को ये नहीं कह सकता है कि भैया ये राइटर का हम किताब खरीदे थे, इसमें मेरा सिलेबस के अनुसार मटेरियल नहीं है, तो फिर हम इसका क्या करेंगे। तो सिलेबस के अनुसार मटेरियल नहीं है तो ये आपको देखना था खरीदने समय कि सिलेबस के अनुसार उसमें मटेरियल है कि नहीं है। और खरीदने के बाद आप बी को दोष दे रहे हैं कि भैया ये किताब हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिलेबस के अनुसार मटेरियल नहीं है, तो उसके लिए दुकानदार जिम्मेवार नहीं है। यहाँ पर क्रेता को सावधान रहना चाहिए, क्रेता को सोचना चाहिए था कि जो किताब हम खरीद रहे हैं वो मेरे सिलेबस के अनुसार है कि नहीं है। अगर नहीं है सिलेबस के अनुसार तो आपको नहीं खरीदना चाहिए था। तो हर चीज बताने के लिए दुकानदार जिम्मेवार नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्रेता को चाहिए कि जो वस्तु वो खरीद रहा है उसकी वो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ले। इसमें एक केस लॉ दिया हुआ है श्रीमती रामी बाई वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन में क्या होता है कि LIC में लोग अपने जीवन का बीमा कराते हैं, बीमा कराने के बदले में उसको एक प्रीमियम की राशि देनी पड़ती है। वो या तो 1 साल में होगा या 6 महीने में होगा या 3 महीने में होगा, जैसा भी तय होगा वैसा ही प्रीमियम देना पड़ेगा। और उसका एक एश्योर्ड अमाउंट होता है कि उसके जिंदगी के बदले में इतना रुपया का इंश्योरेंस कर दिया। अब बाई डी वे उस समय जब आपका इंश्योरेंस किया जा रहा था तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, क्योंकि LIC का एक नियम है कि जितना अधिक उम्र का होगा प्रीमियम की राशि उतनी अधिक देनी पड़ेगी और जितना कम उम्र का होगा वो आदमी प्रीमियम की राशि उतनी कम देनी पड़ेगी। अब कोई वो जो श्रीमती रामी बाई थी उसने अपनी उम्र को छिपाया, उसकी एक्चुअल उम्र थी 60 वर्ष और उसने अपना उम्र बताया 48 वर्ष। प्रमाण के रूप में क्या दिया उसने LIC कंपनी को, प्रमाण के रूप में अपना पंडित जी के द्वारा जो जन्मपत्री बनाया जाता है वो दिया। बाद में जब उसका मैच्योरिटी पूरा होने वाला था उसके पहले श्रीमती रामी बाई की मृत्यु हो गई और उसका जो भी उत्तराधिकारी था वो पैसा का क्लेम करने लगा। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ने उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट नहीं दिया, ये कहते हुए कि आपके द्वारा जो भी पेपर प्रस्तुत किया गया था उसमें उम्र को छिपाया गया था, आपने कपट किया, आपकी उम्र एक्चुअल में 60 साल थी और आपने जानबूझकर जन्म पत्री दिया जो पंडित जी बनाते हैं उसमें 48 साल लिखा हुआ है और आपके द्वारा कपट किया गया, इसलिए अब आपको ये बीमा की राशि नहीं मिलेगी। क्योंकि तो किसी भी सक्रिय बात को जो आप जब जानते थे कि आपकी उम्र 60 साल थी तो आपने जानबूझकर उसको 48 साल बताया, 12 साल आपने अपनी उम्र को छिपाया, तो ये कहा जाएगा कि प्रदर्शन के द्वारा कपट किया गया और वैसे स्थिति में वो पेमेंट देने के लिए LIC बाध्य नहीं है। न्यायालय भी LIC का ही पक्ष लेगी, न्यायालय कहेगी कि LIC की इच्छा नहीं है अगर पेमेंट करने का तो वो पेमेंट नहीं करे क्योंकि LIC के साथ कपट किया गया। जनरली LIC का नियम है कि वो 60 साल से ऊपर वाले का इंश्योरेंस ही नहीं करती है, जब भी इंश्योरेंस होगा 60 से नीचे वाले। इसी में एक दूसरा केस लॉ दिया हुआ है कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस केस लॉ में हुआ क्या था कि कृष्णा एक कैंडिडेट था और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उसको परीक्षा का फॉर्म भरना था और परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए उसने क्या किया कि फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म के पीछे हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म में यह लिखा हुआ रहता है कि अगर आपका अटेंडेंस
75% से कम होगा तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। और कृष्णा का अटेंडेंस 75% से कम था बावजूद उसका फॉर्म भरा गया। और बाद में जब यूनिवर्सिटी को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ये पता चला कि कृष्णा का अटेंडेंस 75% से कम है तो उसने उसके एडमिट कार्ड को रोक दिया, कृष्णा यूनिवर्सिटी के ऊपर केस कर दिया। यूनिवर्सिटी के ऊपर जब केस किया गया तो कोर्ट में मामला गया और डिसीजन यही आया कोर्ट का कि फॉर्म भरने से पहले यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी को यह देखना चाहिए था कि कृष्णा का अटेंडेंस पूरा है या नहीं। अगर कृष्णा का अटेंडेंस पूरा नहीं है तो उसको फॉर्म ही नहीं भरने देना चाहिए था। अगर आपने फॉर्म भरने दिया है तो ये यूनिवर्सिटी की गलती है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको चेक करना चाहिए था कि उसका अटेंडेंस है कि नहीं। अगर वो फॉर्म भर दिया है तब आप उसको एडमिट कार्ड लेने से नहीं रोक सकते, फिर आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। तो ये भी इसका एक है कि वो जानबूझकर अपनी अटेंडेंस को छिपाया, जबकि नियम था कि 75% से नीचे वाले को नहीं भरना है, वो छिपाया और छिपा के फॉर्म भरा। यूनिवर्सिटी ने उसके फॉर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जब परीक्षा देने की बारी आई तब उसके एडमिट कार्ड को रोका, लेकिन जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो कोर्ट ने ये कहा कि जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तब आप उसको परीक्षा देने से नहीं रोक सकते हैं। ये जांच करना यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का काम है कि फॉर्म भरने से पहले वो चेक करते हैं कि उसका एक्चुअल अटेंडेंस क्या था। अब यहाँ पर दो बात है कि क्या प्रकट करना वैधानिक उत्तरदायित्व है, सारी बातों को बताना कानूनी जरूरी है या नहीं भी जरूरी है। तो इसमें दो बातें बताया गया है कि अगर सद्भावना वाले अनुबंध है, सद्भावना वाले अनुबंध अगर कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कोई सद्भावना वाले, तो वहां पर एक पक्षकार का नियम बनता है कि दूसरे पक्षकार को वो सारी बातें बता दे जो वो जानता है। जो नहीं जानता है वो नहीं भी बताएगा तो चलेगा, लेकिन जो चीजें आपको पता है और फिर भी आप उसको नहीं बताते तो कहा जाएगा कि कपट किया गया है। इसमें पहला में आता है सद्भावना वाले अनुबंध में, पहला आता है बीमा का अनुबंध। बीमा का अनुबंध में जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसा कि अभी आपको एक एग्जाम्पल बताए थे कि एक्चुअल में उसका उम्र था 60 साल और उसने अपने उम्र को छिपाते हुए 48 साल बताया और बदले में अपनी जन्म पत्री दी, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि उसने कपट किया है। क्योंकि जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, तो उस समय आपको सही सही डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है और उसके लिए एज प्रूफ भी, जो भी आपके पास प्रमाण है गवर्नमेंट के द्वारा निर्गत अगर कोई प्रमाण है तो वो प्रमाण पत्र देना पड़ता है। दूसरा होता है साझेदारी का अनुबंध। सद्भावना वाले अनुबंध के अंतर्गत आता है साझेदारी का अनुबंध। साझेदारी के अनुबंध में भी जो साझेदार होते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि बिजनेस के संबंध में अगर कोई भी बात है तो वो अपने दूसरे पक्षकार को उसके साथ शेयर करें उस बात को। अगर पहला पक्षकार को ऐसा पता चल रहा है कि बाजार में दाम आज 4 के बजाय 5 रुपया हो गया, तो वो दूसरे पक्षकार को भी बताए कि सुनो माल अगर बेचना होगा तो 5 रुपये में बेचना, तीसरे पक्षकार को भी बताए कि देखो माल अगर बेचना होगा तो 5 रुपये बेचना। लेकिन अगर वो छिपाता है, वैसे स्थिति में अगर वो बात को छिपाता है तो कहा जाएगा कि इसने कपट किया है साझेदारों के साथ। तो साझेदारी में अगर सारे साझेदार इन्वॉल्व नहीं है, कोई कम साझेदार भी अगर इन्वॉल्व है, तो जो भी इन्वॉल्व है उसको वो सारी बातें बता देनी चाहिए और अन्य साझेदारों को जिसकी जानकारी उसे है। नेक्स्ट है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने के समय, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो शेयर खरीदने के पहले कंपनी की ये जिम्मेवारी है कि ये उद्देश्य प्रकट करे कि उसने शेयर किस लिए खरीदा है। क्या उस शेयर को खरीद के एसेट्स परचेज करेगी कंपनी, क्या वो शेयर को बेच के जो पैसा आएगा उसे कोई लायबिलिटी का पेमेंट करेगी, क्या करेगी वो एसेट्स को बेच के, ये शेयर को बेच के, ये उसको क्लियर करना जरूरी है। तो ये भी सद्भावना वाले अनुबंध है कि अगर कोई कंपनी को शेयर बेचना है या खरीदना है तो उसके संबंध में जो भी बात है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ लैंड, जमीन के विक्रय के संबंध में। जमीन के विक्रय के संबंध में ये कहा गया है कि अगर कोई जमीन बेचा जाता है तो बेचने वाले की ये जिम्मेवारी है कि खरीदने वाले को ये स्पष्ट करे कि जमीन पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये हर हाल में ये जिम्मेवारी बेचने वाले की होती है, खरीदने वाले की जिम्मेवारी नहीं होती। जो खरीदने वाला, वहाँ क्रेता सावधान नियम नहीं लागू हो सकता, तो क्रेता सावधान कैसे रहेगा? वो जमीन देख रहा है, जमीन खरीद रहा है, उसको क्या पता कि जमीन में कोई लफड़ा पहले से है। जमीन दिखाई पड़ रहा है, सही सलामत है, सब कुछ ठीक ठाक है, बाउंड्री करना है हमको, बाउंड्री करेंगे। लेकिन अगर उसमें किसी तरह का कोई भी बात पहले से शामिल किया हुआ है तो उस बात का भी उल्लेख आपको कर देना चाहिए जमीन के विक्रय के संबंध में।
आता है फैमिलियर मैटर पर। फैमिलियर मैटर का ये भी सद्भावना वाले अनुबंध के अंतर्गत आता है फैमिलियर मैटर, कि अगर कोई तीन चार पांच भाई है और एक दो भाई को जमीन के बारे में टोटल टोटल डिटेल नहीं पता है, और कोई भाई को जमीन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पता है, एक भाई जानता है कि हम लोग के रोड पर कुछ जमीन है जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो दूसरे भाई को बिना बताए वो जमीन अपने नाम से ले लेता है, बाकी दूसरा जमीन दूसरे भाई को दे देता है, ये कहा जाएगा कि ये कपट किया गया है। क्योंकि तो पहले आपको ये बताना चाहिए था अपने भाइयों को कि जो रोड पर हमारी जमीन है उसका वैल्यू अधिक है, और जब वैल्यू अधिक है तो फिर उसके अनुसार से बंटवारा होना चाहिए था। अगर आपको ज्यादा वैल्यू का जमीन मिल रहा है तो अन्य भाइयों को आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा जमीन देना पड़ेगा या कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है गारंटी वाला अनुबंध। गारंटी वाला अनुबंध में अगर आप किसी का गारंटर बनते हैं, अगर आप किसी का गारंटर बनते हैं तो गारंटर बनने के पहले आप ये जांच कर लीजिए कि जिसका आप गारंटर बन रहे हैं वो आदमी सही सलामत पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। अगर वो सही सलामत पैसा नहीं लौटा पाएगा तो आप उसका गारंटर मत बनिए। आप किसी बैंक में ऐसे आदमी का गारंटर बन गए जिसका पेमेंट करने में वो सक्षम नहीं, और बावजूद आपने उसका गारंटर बनना स्वीकार कर लिया, तो कहा जाएगा कि आपके द्वारा वहां पर कपट किया गया। और लास्ट होता है पूरा नहीं करने के अभिप्राय से दिया गया कोई वचन। ए ने बी को ये कह दिया कि मैं तुमको 20 कुर्सी 500 रुपये के रेट से दूंगा, जबकि वास्तव में उसका दाम 500 रुपया नहीं है, उसका दाम वास्तव में 600 या 700 है, और वो जबरदस्ती झूठ मूठ में उसको कह दिया कि मैं 500 रुपये में तुम्हें कुर्सी दूंगा, तो कहा जाएगा कि यहाँ पर कपट किया। नेक्स्ट आता है कि कोई ऐसा काम जिसका उद्देश्य धोखा देना है। कोई ऐसा काम जिसका उद्देश्य धोखा देना है, आपके पास कोई दुकानदार आया, आप घी के होलसेलर, आपके पास आया कि मुझे 10 टीना घी चाहिए, आपने उसको 10 टीना घी दे दिया लेकिन वास्तव में उस टीना के अंदर घी नहीं था बल्कि पानी था, आपको पता था कि उसके अंदर पानी है, तो कहा जाएगा कि आपके द्वारा कपट किया गया है। ये हो गए सारे सद्भावना वाले अनुबंध में। अब आता है पांचवा में कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसा भूल जिसको राज नियम के द्वारा कपटमय घोषित किया। कुछ कुछ ऐसा काम है जिसको कानून ही पहले से कपटमय घोषित कर रखा है कि अगर ऐसा आप अनुबंध करते हैं तो वो पूर्णतः कपटमय होगा। अंत में आता है कि कभी कभी मौन रहना भी कपट कहलाता है। आप चुप हैं और आप उस सच्चाई को जान रहे फिर भी वो सच्चाई को बता नहीं रहे, तो ये कहा जाएगा कि आप उसके द्वारा कपट कर रहे हैं। मौन रहना भी कभी कभी कपट है, चुप रहना भी कपट है। अगर आपको पता है कोई चीज तो आपको वो बात उजागर करनी चाहिए था, अगर आपने उजागर नहीं किया है तो ये कहा जाएगा कि आपके द्वारा कपट किया गया है। अब इसमें ये आता है कि अगर जब आपने कपट किया